आज जब हम उत्सवों की चर्चा कर रहे हैं तब भारत एक और बड़े उत्सव की तैयारी में जुटा है और भारत ही नहीं पूरी दुनिया में भी उसकी चर्चा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर समुद्र के तट पर जिसे आज हम कीर्ति मंदिर कहते हैं उस छोटे से घर में एक व्यक्ति नहीं एक युग का जन्म हुआ था जिसने मानव इतिहास को नया मोड़ दिया, नए कीर्तिमान स्थापित करवा दिए। महात्मा गांधी से एक बात हमेशा जुड़ी रही, एक प्रकार से उनके जीवन का वो हिस्सा बनी रही और वह थी सेवा, सेवा भाव, सेवा के प्रति कर्तव्य परायणता। हम सब अपने आप से पूछें, चिंतन करें, मंथन करें, सामूहिक रूप से बातचीत करें, हम समाज के और लोगों के साथ मिलकर के, सभी वर्गों के साथ मिलकर के, सभी आयु के लोगों के साथ मिलकर के, गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सबके साथ मिलकर के समाज के लिए क्या करें, एक व्यक्ति के नाते मैं उन प्रयासों में क्या जोड़ूं, मेरी तरफ से वैल्यू एडिशन क्या हो, और सामूहिकता की एक अपनी ताकत होती है। इस पूरे गांधी 150 के कार्यक्रमों में सामूहिकता भी हो और सेवा भी हो। क्यों न हम मिलकर के पूरा मोहल्ला निकल पड़े। अगर हमारी फुटबॉल की टीम है तो फुटबॉल की टीम फुटबॉल तो खेलेंगे ही, लेकिन एकाध गांधी के आदर्शों के अनुरूप सेवा का काम भी करेंगे। हमारी लेडीज क्लब है, आधुनिक युग की लेडीज क्लब के जो काम होते हैं वो करते रहेंगे, लेकिन लेडीज क्लब की सभी सखियां मिलकर के कोई न कोई एक सेवा कार्य साथ मिलकर के करेंगे। बहुत कुछ कर सकते हैं, किताबें इकट्ठी करें, पुरानी गरीबों को बांटे, ज्ञान का प्रसार करें। और मैं मानता हूं शायद 130 करोड़ देशवासियों के पास 130 करोड़ कल्पनाएं हैं, 130 करोड़ उपक्रम हो सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। जो मन में आए, बस सदिच्छा हो, सदहेतु हो, सद्भाव हो और पूर्ण समर्पण भाव की सेवा हो, और वो भी स्वांतः सुखाय, एक अनन्य आनंद की अनुभूति के लिए हो।